क्या आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा दोस्तों? तो आज हम वही स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू स्टाइल में स्टेटस एडिटिंग से रिलेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ डला हुआ है, तो आप वहाँ पर चले जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या फिर टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कर लेना रॉयल शिवराज, तो वहाँ पर मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी, तो दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको अलाइड मोशन में इनपुट कर लेना। अगर इनपुट करते नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैसेज कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा मटेरियल, वहाँ से डाउनलोड करने का। आपको अलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने का, इस अलाइड मोशन को ओपन करेंगे इस तरह से, हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का बिटमास्क फॉर्म को ओपन करना है। ओपन करने का इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको फ़ोटो लगा लेनी है। जो भी फ़ोटो लगानी है वो फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहाँ से डाउनलोड करो और वहाँ से ले लो। जितनी भी फ़ोटो लग रही है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर सारी फ़ोटो डली हुई। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए सिंपल सा ऊपर थ्री डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। पाँचवें नंबर पर मिल रहा फिल कंपोजिशन एरिया, इस पर क्लिक कर देना, और इस तरह से लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने का ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपके सामने ये फ़ोटो इस तरह से लग जाएगी। हमें यहाँ से अभी बैक चले जाना है, हमारा काम हो गया। सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आना है। सेकंड नंबर पर ये वाला इफेक्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ये वाला राउट एंगल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी सिंगल लेयर करना है। उसके बाद यहाँ से बैग जाना है। बैग जाने के बाद बिटमास्क फॉर्म को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आगे आना है। आगे आने का ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, एक 1:22 सेकंड पे ये रेड कलर का बिट मिलेगा, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे, और पेस्ट लेयर कर देना। फिर इस तीर के निशान पर क्लिक करना और पेस्ट लेयर कर देना। इस तरह से तीन बार यहाँ पर पेस्ट करना है, और एक लेयर छोड़ देना और आगे आ जाना है। 3:28 सेकंड पे, 4:11 सेकंड पे, 4:23 सेकंड पे, तो इसी तरह से तीन तीन लेयर इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और आपको इस तरह से यहाँ पर छोड़ देना है, जहाँ पर भी ये इस तरह से ज़्यादा लेयर मिक्स आ रही है, छोटी छोटी लेयर, वहाँ पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह से आपको पेस्ट करके बता देता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जो भी प्रॉब्लम है वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी आपको करके बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से कर लेना है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चले जाना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर लेना। और मैंने दूसरा चैनल भी बनाया दोस्तों, तो आप जाकर चेक कर लो, इस चैनल पे मिल जाएगा आपको दूसरा चैनल भी, तो जाओ और वहाँ पर भी सपोर्ट दिखा दो। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से आना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट के दो इफेक्ट मिल रहे हैं इनको दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करना। थोड़ी देर इस पर क्लिक करके रखोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी टू लेयर कर लेना। उसके बाद यहाँ से बैक जाना और इस तरह से बिटमास्क फॉर्म को फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा इसी वाले तीर के निशान पर क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देना इस तरह से। उसके बाद आपको आगे आ जाना। ठीक है दोस्तों, 2:25 सेकंड पे आना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। फिर आपको 3 बिट 4 बिट छोड़कर 5:02 सेकंड पे आकर इस तरह से पेस्ट करना। तो हमें जो भी जिस बिट पर भी इफेक्ट लगा लिया उन्हें छोड़ देना और इस तरह से आ जाना। फिर यहाँ पर ये बड़ी वाली बिट, इसे भी छोड़ देना और इस तरह से आगे आ जाना आपको 11:15 सेकंड पे। तो इस तरह से हमें अभी 4-4 बिट को छोड़कर लगाना है ये वाला इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो डबल बिट आ रही है इस तरह से, ये छोटी छोटी, इन छोड़ देना है। और इस तरह से आपको ये वाला प्रोसेस भी लास्ट तक कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये वाला इफेक्ट लास्ट तक लगा लेना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। ओके दोस्तों, इस तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। ये हमारा
हो गया है सब कुछ रेडी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना, ठीक है दोस्तों, बैक जाना है और शेक इफेक्ट को फिर से ओपन करना। लास्ट वाली दो लेयर दिख रही, इन्हें सिलेक्ट करना इस तरह से और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना। उसके बाद खाली जगह में टच करना और बैक चले जाना। बैक जाने के बाद बीट मास्क को ओपन करना है और उसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आगे आ जाना है। आगे आ जाना आपको 8.12 सेकंड पे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद इस तरह से आगे आना, इतना दोनों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करना और आपको क्या करना, सॉरी गाइस, एक ही लेयर को सिलेक्ट करना और ये जो स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इसे यहाँ तक ले आना। फिर दूसरी लेयर पर क्लिक करना, स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोनों को फिर से सिलेक्ट करना, ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर क्लिक करके रखना और इस तरह से यहाँ से कॉपी टू लेयर कर लेना। उसके बाद इस तरह से आगे आ जाना आपको स्क्रॉल करके और मिनिमम आपको 16.25 सेकंड पे दो बिट मिलेगी, तो यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो काम है वो हो गया है, तो हमें यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको शेक इफेक्ट को फिर से ओपन करना है और ऊपर तीन लेयर दिखेगी, तो थोड़ी देर क्लिक करके रखना इस तरह से और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कॉपी थ्री लेयर कर लेना। उसके बाद खाली जगह में टच करना है, बीट मार्क्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर पेस्ट थ्री लेयर कर लेना। तीनों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करना और इस तरह से लास्ट तक इसे ले आना। लास्ट तक इस तरह से आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे स्टेटस बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।